कल शहर में 93 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि कल 3,158 सैंपल टेस्ट किए थे, जिनमें से 3,039 केस नेगेटिव पाए गए। अब तक कुल 1,08,480 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक शहर में 5,496 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शहर में 278 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। कल 46 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद अब तक कुल 4,074 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं शहर में 1,144 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार चल रहा है। शहर में रिकवरी रेट 74.13% हो गया है, वहीं डेथ रेट 5.06% है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो चुका है, जिस दिन भी आवश्यकता पड़ेगी उसे एक ही दिन में चालू कर दिया जाएगा। साथ ही जो मरीज बढ़ रहे हैं वह पुराने क्षेत्रों से हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कल रात तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसमें 3,158 टेस्ट लगाए गए थे, जिनमें से 3,039 नेगेटिव थे और 93 पॉजिटिव आए थे। ये अगर रेशियो देखें तो वही 3% के आसपास आता है, बल्कि उससे कम ही है। कल अधिक मात्रा में क्योंकि टेस्ट लगाए गए थे इसलिए अधिक मात्रा में पॉजिटिव की संख्या दिखाई दे रही है। टोटल जो हमारे पॉजिटिव हैं वो 9,496 हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा 5,496 हो गए हैं, जबकि हम लोग अभी तक 1,08,000 से अधिक टेस्ट लगा चुके हैं। तो ये भी अपना 5% के नीचे ही चल रहा है। अभी कल 46 लोगों को डिस्चार्ज किया था, जिसके बाद ऐसे लोगों की संख्या जो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं ये 4,074 हो गई है। ये प्रतिशत 75% पे ही बना हुआ है, जो कि रिकवरी रेट कहलाता है। सर, पेशेंट कम होने के आसार लग रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो हम लोग पेशेंट ढूंढ रहे हैं घर घर जाकर। जो किल कोरोना नाम से अभियान चला था, इसमें घर घर जाके जिनको भी ऐसी कोई समस्या रही हो विगत दिनों में या तत्काल में, सर्दी खांसी हो, बुखार आया हो या ऐसे कुछ भी लक्षण लगे हो, तो उनको हम बाहर निकाल कर उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो ये अगर पूरी जो जनसंख्या है इसको सभी को हम स्क्रीन करना चाहते हैं, तो जब ये पूरी स्क्रीन हो जाएगी इसके बाद इस प्रश्न का औचित्य होगा कि अन्य मरीज अभी हमारे पास निकलना चाहिए या नहीं।